प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मुझे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मुझे संभाल। सो मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मुझे संभाल। दस बज के 15 मिनट और ठीक 14 सेकंड आकाशवाणी गोल्ड पे, ये है शब्द संसार। शब्द जो हम सब के लिए बहुत मायने रखते हैं,
कुछ शब्द ऐसे जो ताउम्र याद रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे जिन्हें हम अक्सर ढूंढते रहते हैं कि शायद वो कहीं तो मिल जाए। तो इसी कड़ी में एक चीज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं, स्त्रीदेश। 6 सालों के बहुत ही सघन शोध के बाद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की मदद से पहला ऐसा दृश्य श्रव्य दस्तावेज खड़ा किया जो कश्मीर के इतिहास के पन्नों से उन 13 रानियों और देश और कश्मीर के प्रगति पथ में उनके योगदान को खोज कर लाया है और इसे नाम दिया गया स्त्रीदेश, जो कोई काल्पनिक शीर्षक नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक नाम है। और इसमें जितनी भी महिलाओं की कहानियां हैं वो सब सुपर हीरो थीं। अगर 5000 साल के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो इसमें कुछ खास पन्ने हैं जो कश्मीर की महिला शासकों या प्रशासकों के नाम हैं और इसी का एक प्रयास है स्त्रीदेश। शब्द संसार में आपका स्वागत है और इसको लिखा किसने है इस गाने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा को देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने, मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम
समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन। ऐसा ही होता है, कई सारी कहानियां हम सबके दिल के पास रहती हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन कहानियों को कागज पे लेके आते हैं और हम सबके सामने वो किताब की शक्ल में होती है। और ऐसी ही एक किताब स्त्रीदेश, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिसको लिखा आशीष कौल ने। आशीष कौल ने इससे पहले कई सारी ऐसी किताबें जो कश्मीर के ऊपर ही आधारित थीं, जैसे कि रिफ्यूजी कैंप, दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर और रक्त गुलाब। तो जब भी आपको कभी मौका लगे तो इनकी लिखी हुई किताबें उठाइए, पढ़िए और उसके बाद समझिए, क्योंकि मैं आपको थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें तो नहीं बता सकती हूं, लेकिन हां इतना जरूर कह सकती हूं कि स्त्री देश को जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि ये कुछ ऐसी कहानियां हैं कश्मीर की, उन सुपर हीरो महिलाओं की जिनके बारे में तो हमने सुना ही नहीं था। और इतना बड़ा हमारा देश है, हर कोने कोने में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अभी हम सबको सुननी है। तो शब्द संसार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इसके अलावा जो चीज है इसके बारे में वो आप ढूंढिए और ढूंढ के फिर हमें बताइए। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कुसूर पापा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कुसूर पापा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना,
समझना नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी ओ पछताओगी कुछ ऐसे के ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी ये सजा तुम भूल जाना प्यार को ठोकर मत लगाना के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहां और अगर आपको थोड़ा सा शौक है कविताओं का तो फिर एक बड़ी प्यारी सी चीज हम आपके सामने फरमाते हैं कि फर्ज करो हम अहले वफा हो फर्ज करो दीवाने हो फर्ज करो हम अहले वफा हो फर्ज करो दीवाने हो फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हो अफसाने हो फर्ज करो ये जी की विपदा जी से जोड़ सुनाई हो फर्ज करो अभी और हो आधी आधी हमने छुपाई हो। ये जो जादू होता है ना ये सिर्फ आपको कविताओं में मिलेगा और जो अभी मैंने आपको एक छोटी सी चार लाइनें सुनाई हैं ये कविताएं हैं इब्ने इंशा की और इनकी जो पतली सी एक किताब है उर्दू के बहुत ही सुविख्यात शायर इब्ने इंशा इनकी गजलों और नज्मों की छोटी सी किताब आप जब भी आपके हाथ लगे तो आप इसको अपने साथ रख भी सकते हैं। जीवन का दर्शन और जीवन का राग उनकी रचनाओं को बिल्कुल एक नया सौंदर्य देता है। उर्दू शायरी की प्रचलित विन्यास को उनकी शायरी ने बड़ी हद तक बहुत ही प्यार से दुलार से आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस तरह के शब्द आए हैं जैसे कि परदेसी और माया जोग बिजोग या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जी से जोड़ सुनाई हो। ये सारी की सारी चीजें इस छोटी सी प्यारी सी किताब में आपको मिल जाएंगी इब्ने इंशा की। लेकिन रोज पाती कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हाँ इतना मदिर
जन्म हमें कई कई पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार, हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 14 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुँच रही है। आइए हम सब इसका हिस्सा बने। पापा आपका स्कूटर 2 पहियों पे चलता है, फिर पीछे एक्स्ट्रा पहिया क्यों? क्योंकि अगर कोई पहिया पंचर हो जाए तो एक्स्ट्रा पहिया तुरंत काम आए। आप, मैं और मम्मी तो एक ही कमरे में सोते हैं, फिर दूसरा कमरा क्यों? कोई मेहमान आए तो उसको कहाँ सुलाइएगा, कल के लिए तैयार रहना पड़ता है बेटा। फिर शौचालय में एक ही गड्ढा क्यों? बिटिया ने सवाल तो कायदे का पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं और 2 गड्ढे वाला शौचालय बनवाकर अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागारे, 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 जागारे। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। सोच रहा था कि बच्चों को लेकर पूरा भारत घूमने चले, पर कैसे? नोएडा हार्ट सेक्टर 33 में सरस आजीविका मेला, जहां मिलेंगे देश के 27 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की करीब 450 से ज्यादा महिला कारीगर, जो लेकर आई हैं गांव के उत्पाद, देश भर के स्वादिष्ट पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश के हर राज्य का अनुभव मिलेगा यहां। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला 16 फरवरी से 4 मार्च सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक, नोएडा हार्ट सेक्टर 33, नोएडा में। प्रवेश और पार्किंग निःशुल्क।
उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत। सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। रिमझिम रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हो चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड पे। ये है शब्द संसार, शब्द जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं और नए शब्दों को जानने की कोशिश हमेशा रहती है। कुछ छोटी सी कोशिश आपके लिए है, अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो फिर उन किताबों को जरूर पढ़िए जिनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत रिसर्च करके लेकर के आते हैं, और उसके बाद बताइए कि आपको कैसी लगी। के
गया जब दामने। ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया की बाहरों से न परियों के जन्नत की बाहरों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से आपके आ जाने से आपके आ जाने आपके दस बज के 45 मिनट हो गए हैं। जरा सोचिए कि 10,000 वस्त्र उत्पाद, 3,000 विदेशी खरीदार, 50 से ज्यादा सम्मेलन और सेमिनार, 3,500 ब्रांड्स शोकेश। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में ये एक पहल बड़ी अच्छी। भारत के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल का आयोजन आज यानी कि 26 से लेकर के 29 फरवरी तक होगा, भारत टेक्स 2024। तो ये जानकारी आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आप इसका लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं 11 बजे से। और ये जो इनॉग्रल फंक्शन है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024, ये ऑर्गेनाइज्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ। इसमें आप सुनिएगा इसको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बहुत काम की हैं। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले,
पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रो सवेरा दूर करे अंधियारा, रेसे रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। गुनगुन गा 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 माँ से मध्यम माँ 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 पा से एक पुजारी। सा सा रे ग म प प म ग प म प प म रे मा ग। हाँ, सा सा रे ग म प प म ग प म प प म रे ग। सा गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गाते गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। प्रवासी हिंदी साहित्य और ब्रिटेन, जिसको लिखा है राकेश बी दुबे ने, इस किताब के बारे में हम जरूर आपको बताएंगे। प्रवासी हिंदी साहित्य के विद्वान राकेश बी दुबे की मान्यता समीचीन है कि हिंदी की प्रवासी साहित्य के स्वरूप और विकास में ब्रिटेन का विशेष योगदान है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बात है जो आपको इस किताब के बारे में जानकारी देगी। भाई कैसा है? बढ़िया बढ़िया, तुम कैसे हो? बस सब ठीक। चल घर पे, तुझे गर्मा गर्म चाय पिलाऊं। पहले आज की दिहाड़ी तो लेकर आ जा। अब दिहाड़ी के लिए जाने की जरूरत नहीं, खुद खाते में आ जाती है। अरे वाह, बहुत सही है। बिचौलियों के हाथों में नहीं, सीधा खातों में पहुँच रहा धन, अब खुशहाल हो रहा जन जन, ये है मोदी की गारंटी। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी।
300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है सब्सिडी, अपना पैसा अब बचा ले, 300 यूनिट हर महीने मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आशीर्वाद दो दादाजी। आयुष्मान भव। दादी मैच खेलने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर, किसी का घुटनों का, किसी की आँखों का ऑपरेशन कराकर, 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर, दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है सब्सिडी, अपना पैसा अब बचा ले, 300 यूनिट हर महीने मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तू आन है, तू शान है, तू ही तो देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 10 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हमने आपको बताया कि प्रवासी हिंदी साहित्य और ब्रिटेन, जिसको कि राकेश बी दुबे ने लिखा है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो लोग यहां से दूसरे देशों में जाते हैं और वहां जाकर के किस तरह से अपनी भाषा का और अपनी बहुत सारी चीजों के रखरखाव में कितनी ज्यादा मेहनत से और उनको याद करके एक किताब की शक्ल देते हैं। और जब भी आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको इसी बात का एहसास होगा। प्रवासी हिंदी साहित्य के विद्वान राकेश बी दुबे की यह मान्यता समीचीन है कि हिंदी की प्रवासी साहित्य के स्वरूप और विकास में ब्रिटेन का एक बहुत ही विशेष योगदान है। और वर्तमान भाषिक स्थिति को राकेश बी दुबे की जो ये किताब है, जब आप पढ़ने के बाद तब आपको ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य है वो बड़े आराम से समझ में आएगा। सपने सच हुए, अपने अपने
सपने सच हुए। पल भर को मिले देखे तुम देखो मेरी आंखों से अपने प्यार के सपने सच हुए। अपने प्यार के सपने सच हुए। इसी के साथ शब्द संसार से इंदु को दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे। कांटों से भरी थी जो गलियां घूमो नाचो मनाओ रंग रलिया। कांटों से भरी थी जो गलिया उनमें खिली है अब गलिया। चलो सजना कहीं चल के सारे लोगों से अपने प्यार के सपने सच हुए। प्यार के सपने सच हुए।